नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को मंगल करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके फिंगर के एनालिसिस में फिंगर की लेंथ के एनालिसिस के बाद पूरे पाम का एनालिसिस कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट्स पर डायरेक्टली एक्शन लेने जैसी आदतों को दर्शाता है। पेशेंस की कमी होती है, इसलिए तुरंत चीजों को पाने की चाहत को बढ़ावा देता है। आप जैसे जातक बहुत ज्यादा दब करके या रिस्ट्रिक्शन में ज्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि शॉर्ट फिंगर को इंडिपेंडेंसी और डोमिनेटिंग नेचर चाहिए रहता है कि आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं अपने अनुसार सारे काम बहुत परफेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप समय लेकर के कोई भी काम करना पसंद करेंगे, अन्यथा एक ही बार उठ दसों काम करना पसंद करेंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ आपकी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पॉल तक टच हो रही है, जिसके कारण यह कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशंस को इंक्रीज करती है, अच्छा करती है। अपने बात को सीधे स्पष्ट रूप से कह पाना, कम्युनिकेशन मिसमैनेजमेंट जैसी चीजें में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना, एक समय पर एक से ज्यादा काम भी इजिली हैंडल टिकल कर लेना, अपने नॉलेज इन्फॉर्मेशन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन अपने वर्क में कर पाना, लोगों को जोड़ पाने की योग्यता, यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी देता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में बहुत कोई फर्क नहीं है, जब दोनों की लेंथ तकरीबन सेम होती है तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को रिसर्चिंग नेचर देता है, और इस कंडीशन में ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी को ये इंक्रीज करता है। फर्स्ट फिंगर यहाँ पर आपको एक तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट, हाई पोजिशन अथॉरिटीज और एम्बिशंस को लेकर के सीरियस बनाएगा, और थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी होने के कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर देगा, तो कोई नया काम शुरू करने से आप पीछे नहीं हटेंगे। अगर यह तिल है यहाँ पर, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना गया है नेम फेम के लिए, फादर फिगर के लिए और सक्सेस के लिए, क्योंकि तिल का चिन्ह सूर्य के किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे पर्वत या फिंगर पे, ये सक्सेस को डिलेज में यहाँ पर कन्वर्ट करता है। तो आपके जीवन में अधिकतर मसला यही रहेगा कि समय पर काम नहीं हो पाया, देरी देखने को मिली, रुकावटें देखने को मिली, फादर या फादर फिगर जैसे लोगों से भरपूर जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जितना भी मेहनत होता है उसका क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड या सक्सेस भी नहीं मिल पाता है। तो करियर को लेकर के ये अनसर्टेनिटीज, इनसिक्योरिटी, अनसेटिस्फेक्शन जैसे प्रॉब्लम को कंफर्म करता है। इस कंडीशन में सन रेमेडी करना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आपको इनफ गेन, सक्सेस तो मिले ही, लेकिन जिस चीज के आप हकदार हैं वो चीज मिलने में आपको कभी भी रुकावट, तकलीफों का सामना ना करना पड़े। यह कॉम्बिनेशन कंफ्यूजन भी देता है बहुत सारे डिसीजन को लेकर के, तो इन सारी चीजों में जब सुधार होने लगेगा तो लाइफ में आपको वेल्थ, करियर, इनकम, इन तीनों के हिसाब से बहुत पॉजिटिव चेंजेस और ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपके फिंगर के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी खासी मौजूद हो रही हैं, जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोचेस को दर्शाती है, और इस कंडीशन में लोगों को लेकर के चलना, लोगों से मिल करके चलना, हर जगह अपने रिश्ते मधुर बनाना, फ्रेंकली टाइप का नेचर यह बढ़ाता है। सकारात्मक सोच रवैया भी देता है, और आपके हथेली में चंद्र बहुत अच्छा विकसित है। चंद्र की स्थिति हथेली में जब अच्छी होती है तो ये सकारात्मक सोच मन व चित्त को शांत और मन को एकाग्रचित कर पाने में मदद भी करती है। आप जैसे जातक वह सभी काम जो चंद्र ग्रह से रिलेटेड है बहुत सफल होते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग, फूड, सोसाइटी के लिए कोई भी वर्क करना, और अपने मन मुताबिक या पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करके भी चलना, ये सभी तरह के कार्य बहुत ज्यादा फ्रूटफुल एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्ड लाइफ में करते हैं। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप ठीक हो रहे हैं, जिसके कारण यह स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देगा, जिसके तहत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में यह देता है। फैलेंजेस और इंटरनल मार्क्स की स्थिति आपके पाम में अच्छी जा रही है, जिसके कारण यह स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। थंब का साइज यहाँ पर आपका मजबूत बहुत है, शॉर्ट है थोड़ा सा, जिसके कारण इमीजिएट एक्शन डिसीजन या अपने प्लानिंग डिसीजन में इमीजिएट चेंजेस करने की आदत देता है, यानी जो करना है तुरंत करना है, जैसा भी सर्कमस्टांसेस हो, इन्वायरमेंट हो, उसके हिसाब से आप जैसे जातक ढलते हुए भी पाए जाते हैं। लेकिन जब मजबूत थंब होता है, कभी भी जीवन में हार नहीं मानते हैं, चाहे कैसी ही रुकावट, कितनी ही पीड़ा, तकलीफ या परेशानी आ जाए, हमेशा डट करके सामना करना, एक हिम्मती स्वभाव को यह दर्शाता है। आप जैसे जातक कभी भी थकने वाले, रुकने वाले, थमने वालों में से नहीं होते। इस तरीके का थंब हमेशा आपको प्रेरित करेगा, आप उठिए, आगे बढ़िए, हर दिन संघर्ष करिए और जीवन में कहीं ना कहीं प्रगति करते चले जाइए। इसीलिए आपका भाग्य भी यहाँ पर पहले जागृत नहीं था, लेकिन इसके बाद में धीरे धीरे यह बहुत अच्छा जागृत हो रहा है, जो बहुत बड़ी उपलब्धियों को संकेत दे रहा है। यहाँ पर आपके फर्स्ट फेलेंज की लेंथ अच्छी है, जिसके कारण विल पावर तो आपका अच्छा रहेगा। सेकेंड फेलेंज पर भी सीधी खड़ी रेखा तर्क वितर्क करने की क्षमता को बढ़ाता है। कभी भी चुनौती
विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना करना पड़े बिल्कुल हिचकिचाहट घबराहट नहीं आएगा, डट करके सामना करेंगे आप। पाम का स्ट्रक्चर आपका एक रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट हो रहा है और थोड़ा सा इस जगह से स्क्वेरिश है, तो स्क्वेरिश और रेक्टेंगल दोनों ही तरह के जब पाम होते हैं तो उस कंडीशन में शारीरिक मानसिक किसी भी तरह का मेहनत करना पड़े कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हैं और यही कारण भी है कि आपके हथेली में मणिबंध की रेखा बड़ी स्पष्ट है और मणिबंध की रेखा दो या इससे अधिक देखने को मिल जाए तो इस कंडीशन में अपनी जिम्मेदारी को भरपूर अच्छे से निभा पाते हैं, सुख सुविधा संसाधन बढ़ा सकने में सक्षम होते हैं और लंबी आयु को यह निर्मित कर देता है। मणिबंध की रेखा आपके हथेली में बहुत अच्छी है जिसके कारण केतु का क्षेत्र भी बहुत अच्छा हो रहा है और यह कॉम्बिनेशन लाइफ में सडन गेन एंड प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है। एक बहुत बड़ा लाभ ऐसा जीवन में मिलता है जिसके कारण पूरा जीवन ही सकारात्मक रूप से रूपांतरित हो जाता है। तो ये लाभ कब मिलेगा अभी हम लाइफ लाइन पे जज करेंगे। फिलहाल तो जुपिटर से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि ऊपर की तरफ में जब इस तरीके का त्रिशूल का आकृति बनता है और ये त्रिशूल या एक तरीके से बाण का जो ये आकृति है ये जितना स्पष्ट और अच्छा होता है उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आती हैं या उन अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से ग्रैप कर पाते हैं। अपर पोर्शंस को ये तो बहुत अच्छा डेवलप कर ही देता है जिसके कारण प्लानिंग्स बहुत अच्छी कर पाते हैं। प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए जो टैलेंट या स्किल्स चाहिए वो यहाँ पर आपका मार्शियन जोन दर्शाता है और मार्स जोन भी आपके पाम में डेवलप अच्छा है जिसके कारण आप जितना लाइफ में एक्शन ओरिएंटेड होंगे उतना ज्यादा आपको सक्सेस रेट लाइफ में बढ़ जाएगा। और लोअर जोन भी आपके पाम में डेवलप अच्छा है जिसके कारण आपके अंदर इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन की भी कोई कमी नहीं है। लमसम सभी पर्वत हथेली में विकसित अच्छे हैं और जब भी विकसित पर्वत सभी देखने को मिलते हैं तो ये दर्शाता है कि आप जिस हद तक बहुत काइंड हार्टेड है, दूसरों की परवाह मदद करने वालों में से हैं, खुले और बड़े दिल वाले व्यक्तित्व को ये दर्शाता है। हर किसी का स्वागत खुले दिल से करते हैं, मिलते हैं किसी से भी तो खुले दिल से गले मिलते हैं और यह कॉम्बिनेशन जीवन में हर तरह की ऊर्जा या हर तरह का उत्साह या हर तरह का आनंद अंततः देता ही है। तो फिलहाल हम बात करेंगे गुरु के क्षेत्र से। तो पहली बात की गुरु का क्षेत्र एरिया कम ले रहा है लेकिन आपका विकसित तो बहुत अच्छा है। जब गुरु इस तरीके से विकसित हो और इधर पे जब आड़ी रेखा हो तो ये कॉम्बिनेशन बच्चों को बहुत भाग्यशाली बनाता है। आपको आध्यात्मिक या धार्मिक रुचि देगा, ऑकल्ट साइंस में या रहस्य विद्याओं में विश्वास को बढ़ाएगा, सोशल वर्क करने लोगों की मदद करने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और ये कॉम्बिनेशन अंततः पुण्य को बढ़ाता है, ईश्वर के निकट ले जाता है। जितना ज्यादा आप दान धर्म पूजा पाठ जैसी चीजें करते जाएंगे यानी रिचुअल कोई भी अगर फॉलो भी कर जाएंगे जैसे डेली मंदिर ही विजिट करना तो आप पाएंगे आपका लाइफ में प्रॉब्लम सब कम हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहा है, सक्सेस रेट बढ़ रहा है क्योंकि जुपिटर ब्लेसिंग्स देते हैं और यह सभी ब्लेसिंग्स पितृपूर्वज माता पिता धर्म के माध्यम से आता है। बहुत खुशियां बढ़ने लगेगी जब आप अपने जुपिटर को एक्टिव कर लेंगे। दूसरी यहाँ पर जो प्रोग्रेस लाइन निकलती है, पहली बात ये प्रोग्रेस लाइन सभी के हाथ में नहीं होती, ये प्रोग्रेस लाइन उन्हीं के हाथ में होती है जो बहुत कम स्तर से उठते हैं अपने जीवन में और बहुत बड़े स्तर तक जाने की योग्यता रखते हैं। पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे वो तो सिर्फ आपके कर्म पर निर्धारित होता है लेकिन यह रेखा इस बात को दर्शा रही है कि आपके अंदर इच्छा बल की, आत्मविश्वास की, किसी भी तरह की परिस्थिति को संभालने की और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरे करने की भरपूर योग्यता परमात्मा ने आपको दी हुई है क्योंकि इन सब रेखाओं को एम्बिशन लाइन और प्रोग्रेस लाइन भी कहते हैं। कितना ही नीचे गिर जाइए, कितना ही नुकसान हो जाए, फिर उठ खड़े होकर उससे ज्यादा सक्षम होने की क्षमता ये रेखा देता है क्योंकि इस रेखा में आराम हराम होता है। ये रेखा प्रेरित करती है आप हर दिन मेहनत करिए, प्रयत्न करिए, कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन करिए। तो ये सब कुछ आपके टीन एज में और अप्रोक्सीमेटली 21-22 के एज में ये सबसे मेजर प्रोग्रेस लाइन आ गई। तो इस पीरियड से आपने अपने कंफर्ट को त्यागा है और अपने एम्बिशन के रिगार्डिंग वर्क करना शुरू किया है। बहुत सारी रेखा जब मंगल से निकल के शनि की तरफ जाती है तो बचपन की यादें बहुत ज्यादा ही नकारात्मक होती है क्योंकि यह युद्ध को दर्शा रही होती है, मंगल शनि की होती है। तो बचपन में नेगेटिव मेमोरीज फैमिली हेल्थ को लेकर के और फ्रेंड्स को लेकर के भी या सराउंडिंग को लेकर के भी देखने को मिलता है। उन सब के अतिरिक्त जब प्रोग्रेस लाइन निकल जाती है तो इसमें बनता है स्क्वायर का साइन और स्क्वायर का साइन जब बनता है तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि आप अपने पास्ट को कभी मत भूलिएगा, पास्ट को एज ए लर्निंग लेकर के चलेगा, वो आपके लाइफ में कहां से कहां पहुंचा देगी आपको नहीं पता है। दूसरा, मंगल आपका शारीरिक कर्म है और शनि यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल कर्म है यानी एक्सपीरियंस बेस्ड कर्म। तो यानी आप जितना एक्सपीरियंस किसी भी विषय को लेकर के करते जाएंगे या उसके बिहाफ पर कर्म करेंगे आपको सफलता
देखने को मिल जाएगा। गुरु की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है आपके हथेली में, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी आपके लाइफ में डेफिनेटली बढ़ने जाएगा। कब बढ़ेगा अभी हम इस पर जज करेंगे लक लाइन पे। बाकी इस तरीके का जुपिटर फैमिली के रिगार्डिंग सक्सेस एंड सिक्योरिटीज देता है। सैटर्न माउंट डेवलप होने के कारण आध्यात्मिक उन्नति बहुत अच्छी होती है। रहस्य विद्याओं में रुचि होने के साथ साथ विश्वास और फिर फल भी मिलता है। जो भी कुछ आप आध्यात्मिक कार्य करेंगे, आप कोई भी शुभ काम करने जाइए उसके पहले कोई भी पूजा पाठ कर्म करा दीजिए, आपका कोई विघ्न बीच में नहीं आएगा। इतना अच्छा है आपका शनि का क्षेत्र, और शनि पर्वत जब भी विकसित होता है तो स्पिरिचुअल और मटेरियलिज्म बेस्ड प्रोग्रेस लाइफ में अच्छी हो जाती है। अब इधर पे हुआ ये कि आपकी लक लाइन पहले कुछ भी जनरेटेड नहीं थी, जिसके कारण क्लैरिटी थी ही नहीं कि करना क्या है जीवन में, बस करते चले जा रहे थे अपने माता पिता या फिर अपने परिवार के सहयोग के द्वारा। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि आपकी एक मर्करी लाइन डेवलप हुई और इसने आपको तार दिया, यानी एक तरीके से लाइफ में मोटिव गोल्स देना शुरू किया और सक्सेस देना शुरू किया। ये मर्करी लाइन लाइफ लाइन से जब निकल रही है तो समय 24 का है, और इसके बाद में जब ये लक लाइन यहाँ पर टच हो रहा है या लक लाइन को कनेक्ट कर रहा है तो ये समय 27 और 28 का है। तो यानी 24 से उन्नति या स्किल्स डेवलप शुरू हुआ और 27-28 से आपकी अर्निंग्स करियर वाइज ग्रोथ होना शुरू हुआ। अब इसमें आपकी लक लाइन माइंड लाइन पर रुकी और फिर उसके बाद यहाँ पर माइंड लाइन से फिर अनदर डबल लक लाइन क्रिएट हुई, जो इस बात को कंफर्म करता है कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग करने जाएंगे 42 के एज से। 42 के एज से आपके लाइफ में इनकम, सेविंग्स, वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस रेट, ये सभी कुछ लाइफ में आपके प्रोमिनेंटली बढ़ सकेगा। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये रहेगा कि आप बिजी बहुत हो जाएंगे, आपके पास फ्री टाइम बहुत कम देखने को मिलेगा अपने फैमिली के लिए या खुद के लिए। लेकिन वहीं करियर में एक्सट्रीम सक्सेस और बहुत ज्यादा काम यह आपको देने वाला है 42 के एज से। और फिर यहाँ पर सैटर्न के ऊपर में अपनी खुद की रेखाएं भी मौजूद हैं, तो ये सब रेखाएं अपॉर्चुनिटीज देती है कि लाइफ को बेटर करिए। टेम्परेरी बेस्ड अपॉर्चुनिटीज बहुत देती है, इसीलिए कभी भी किसी अपॉर्चुनिटी को गवाइएगा नहीं। इन्वेस्टमेंट्स हमेशा किसी भी तौर पर करते रहिएगा, और सैटर्न की ये लाइंस ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल एंड बेस्ट देती है, तो इसीलिए हम लक में किसी भी तरह की कमी अब देख नहीं रहे हैं। और इस तरीके का लक आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, वेल्थ, इन तीनों चीजों को बढ़ाने वाला है। इसके बाद में सन माउंट भी आपका डेवलप अच्छा है, जिसके कारण कॉन्फिडेंस की ऐसी कोई कमी नहीं है। यहाँ बाइफोर्क साइन कंफ्यूजन देता है कोई भी काम करने से रिलेटेड कि किस काम को ज्यादा प्राथमिकता दी जाए, किस काम पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि बाइफोर्क का साइन मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल वर्किंग हॉबी जनरेट करवाता है। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन लेट सक्सेस देता है, और सन की मल्टीपल लाइंस एक से अधिक चीजों में टैलेंट देती है, लेकिन यह सन लाइन इनफ सक्सेस या गेन्स या नेम फेम नहीं दे पाती, क्योंकि मल्टीपल लाइंस बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, जैसे हर क्षेत्र में हाथ हजमाना, हर तरह का काम करना, और इस कारण से हमारी ऊर्जा का खनन होना। और इसीलिए यहाँ पर भी हमने जो तिल का चिन्ह पाया वो नेगेटिव ही था। तो सन को आपको सिक्योर पॉजिटिव करना जरूरी है, इसका रेमेडी करना बहुत जरूरी है, तभी आपको एक्सट्रीम सक्सेस एंड गेन्स देखने को मिलेगा। अदरवाइज आपके जीवन ले दे करके हर तरह की चीजें अर्जित तो कर लेगी, लेकिन बेस्ट चीजें मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो वो बेस्ट पाना है, राजा जैसा जीना है, बड़ा पद या सम्मान चाहिए, तो सन का उपाय तो करना अति आवश्यक है आपके जीवन में। मर्करी माउंट के ऊपर मल्टीपल जब भी लाइन हो, एक चीज का ध्यान रखिए कि आप अपना खुद के स्तर पे काम जरूर करिए। खुद के स्तर पे काम यानी अपना व्यापार, अपने खुद की सर्विसेज जो है फ्रीडम के साथ दूसरों को प्रोवाइड कराना, सेल्फ सर्विस देना, सेल्फ एम्प्लॉयड रहना, कंसल्टेशन देना, ये कोई भी ऐसा काम जिसमें उसका मालिकाना हक आपके पास हो, ये मर्करी आपको एक्सट्रीम यहाँ पर अर्निंग डेवलप करके दे देगा। क्योंकि इस तरह की रेखाएं एक तो स्किल्ड बेस्ड वर्क में प्रोग्रेस कराती है, व्यक्ति को बहुत स्किलफुल बनाती है, दूसरों के नजर में बहुत अट्रैक्टिव टाइप का नेचर क्वालिटी बिल्ड कर देती है, लोग इजिली जुड़ते हैं, अपनापन आप जैसे ज्यादातर दूसरों को महसूस करा देते हैं, दूसरों के बहुत काम आते हैं, तो ये हेल्पिंग, हॉस्पिटैलिटी और काइंडली नेचर को बिल्ड करता है, जिसके कारण लोगों से बहुत लाभ मिलता है। इसलिए आप डायरेक्ट लोगों को अगर सर्विस देंगे तो वो आपके काम को और ज्यादा बढ़ाएगा। तो इस मरकरी में और इस मरकरी लाइन में बिजनेस करना अति आवश्यक है बहुत ज्यादा पैसा के लिए। हैदरेखा के अंत में गोपूज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर और फ्रेंडली टाइप का नेचर भी बिल्ड करती है। पार्टनर के प्रति, फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेशन आपके अंदर देखने को मिलेगा। आपके हार्ट लाइन में सच एस
मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन यहाँ से जो ये दो रेखा निकल के मंगल की तरफ जा रही है हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आपको देगी। तो यहाँ पर आपको तकरीबन एक तो 44 से 46 के बीच में और एक अराउंड 49 के एज में सावधान रहने की जरूरत है। इस पीरियड में आपको हेल्थ इशू, इमोशनल ट्रबल आ सकता है। पैसों के लेन देन से बचें, किसी पर बहुत ज्यादा आश्रित ना हो, आवेश में आकर काम करने से बचना है इस पीरियड में। इसके बाद आपकी जो हार्ट लाइन है वो पूरी की पूरी सैटर्न पर रुकी हुई है, हल्का सा जुपिटर पे आकर के एंड कर रही है। यह कॉम्बिनेशन सीक्रेटिव हिडन टाइप का नेचर देता है, जितना जरूरी है उतनी ही बातें दूसरों को बताएंगे, पूरी राम कथा आपके मुंह से निकलने ही नहीं वाली है। इसलिए बहुत कम लोगों को आपके बारे में पता रहेगा, परंतु आपको बहुत सारे लोगों के बारे में पता रहेगा। यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा बनाता है, और थोड़ा अगर आप सेल्फ के रिगार्डिंग एक्टिव हो जाएं तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा भी रहेगा, क्योंकि सैटर्न का पूरा सपोर्ट आपको आएगा। तो पहले खुद का उद्धार, फिर उसके बाद दूसरों को उद्धार करने की योग्यता परमात्मा ने आपको दी है। इसके ऊपर से जो रेखा जा रही है ये सहयोगी हृदय रेखा है, जो इमोशनल मैनेजमेंट या रिलेशनशिप मैनेजमेंट या प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को बढ़ावा देती है। अंधभक्ति नहीं हो पाती, तथ्य तर्क वितर्क करने की क्षमता को बढ़ावा देता है। इसमें धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र मिल जाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक कर्म में धर्म और धर्म में कर्म में लगाते हुए देखने को मिलते हैं। इसलिए यह कॉम्बिनेशन पिन पॉइंट आंसर कराने की आदत भी देता है। बहुत अच्छा ये लाइन माना गया है, क्योंकि ये लाइन पॉलिटिकल कनेक्शन, सोसाइटी में अच्छा स्टेटस, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, बड़ी काबिलियत या बड़ा ज्ञान अर्जित करने की योग्यता देता है। इस रेखा में लाभ यह मिलता है कि जब ओल्ड एज आता है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर वृद्धा अवस्था है और गुरु यहाँ पर ज्ञान है, तो वृद्धा अवस्था में ईश्वर ऐसी पूरी योग्यता देते हैं कि आप अपने दम से कोई व्यापार शुरू करिए या काम शुरू करिए और उसको रन करिए, तो लोग आपके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ेंगे या आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकेंगे। तो सोसाइटी में स्टेटस बढ़ाने का ये बहुत प्रोमिनेंट साइन है। और आपके अंदर मल्टीपल इमोशंस हैं, आप एग्रेसिव भी हैं, प्रैक्टिकल लॉजिकल भी हैं और इमोशनल भी हैं। जब एक से अधिक इमोशंस होते हैं तो कभी भी इमोशनल बेस्ड डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आवेश में किए गए काम या इमोशन में बह के किए गए काम से सिर्फ और सिर्फ नुकसान पाया जाता है। अब इसका ही असर है कि आपके हथेली में इस तरह की जितनी आप रेखाएं देख रहे हैं, जो आगे चल के भी आ रही है, ये सब आपकी वरीज लाइन है, चिंता की रेखा। इन सब रेखाओं को राहु रेखा कह लें या चिंता रेखा कह लें, बहुत कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसमें सबसे जो मेजर कट लगा हुआ है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये फर्स्ट वन जो एज यहाँ पर आ रही है, ये 33.5 से लेकर के तकरीबन 36 का पीरियड है, जिसमें आपको मेजर लॉस, जिसमें करियर वाइज डिस्टर्बेंस, अर्निंग वाइज लो हो जाना, मेंटल डिस्टर्बेंस एंड हेल्थ के रिगार्डिंग इशू, फैमिली के रिगार्डिंग भी वरीज, क्योंकि इसके बाद में कुछ रेखाएं शुक्र से भी आई हैं। ये सबसे मेजर डिस्टर्बिंग पीरियड था। और इस पीरियड में अगर लोन लेकर के काम करते हैं तो वो लोन का भी प्रेशर आ जाता है, क्योंकि ये रेखा का काम ही है प्रेशर देना, तो किसी भी रूप से प्रेशर को ये इंडिकेट करता है। और सेकंड वन लाइन अवेलेबल है आपकी 38 एंड 9 में। अब जाकर के जैसे आपकी 40 की एज है, तो अब अधिकतर आपकी जो लाइफ लाइन है उसकी कंडीशन अच्छी हो रही है, और ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन इधर आ रहा है यहाँ पर, तो ये मोस्ट प्रोबेबली 44 एंड 5 के आसपास में खुद का घर बनाना या बहुत बड़ा डिजायर एम्बिशन फुलफिल होने जैसे योग को दर्शा रहा है। एक सक्सेस आपको तकरीबन 36-37 के एज में और एक सक्सेस अराउंड 32 के आसपास में मिला है। उसके पहले तक का जीवन आपको ना चाहते हुए भी डिपेंडेंट होकर के अपने फैमिली पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट या उनके अनुसार ही चल करके बिताना हुआ है तकरीबन 24 की उम्र तक। और उसके बाद आपकी मस्तिष्क इंडिपेंडेंट हुई और मस्तिष्क आपकी शॉर्ट है। शॉर्ट माइंड लाइन वाले जातक कभी भी तेल का दाग या राय का पहाड़ नहीं करते। आप जैसे जातक तो वो होते हैं जो 10 स्टेप के काम को कैसे 2 स्टेप में करना है उस पर ध्यान देते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। और यह कॉम्बिनेशन स्किल्ड बेस्ड वर्क, स्पेशलाइजेशन वर्क, यानी हाथ में टैलेंट देता है। उस टैलेंट के बिहाफ पे जीवन में सक्सेस मिलता है। इसीलिए इस कंडीशन में पूरी आपको ग्रेट लेवल की इंफॉर्मेशन, नॉलेज पाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ज्ञान से भी पूरी पिक्चर का अंदाजा लगा लेना। ये ऐसा मस्तिष्क रेखा है। इस मस्तिष्क रेखा की सबसे बड़ी कमी तो यह होती है कि यह कंटिन्यूस वर्क नहीं कर पाती। इस कंडीशन में मेंटल एफर्ट्स या मेंटल हार्डवर्क लंबे समय नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ा गुण इसमें यह होता है कि आप जैसे जातक भयंकर प्रेशराइज सिचुएशन को भी अपने
टैलेंट के बिहाफ पे या स्किल के बिहाफ पे बिल्कुल समाधान निकाल पाने में सक्षम रहते हैं। इसीलिए इस तरह की माइंड लाइन में अपने विजडम को और अपने स्किल्स को बहुत निखारने की जरूरत पड़ती है, वही बहुत ज्यादा पैसा खींच करके लाके देता है। तो ये माइंड लाइन ना अच्छा है ना बुरा है, ये माइंड लाइन सामान्य है। इस माइंड लाइन की क्वालिटी को समझना जरूरी है कि यहाँ से आपकी मरकरी लाइन निकल रही है और ये बहुत इन्फ्लुएंस कर रही है आपको बिजनेस करने के लिए या इंडिपेंडेंट कोई भी वर्क करने के लिए। और एट द एंड ऑफ 46 के इस तक आते आते तो इनिशिएशन ले भी लेंगे खुद का काम करने के लिए। बिल्कुल करिए, बहुत तरक्की है खुद के काम में, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप जितना ज्यादा अपने माइंड को वर्क से फ्री रखेंगे, जितना स्मूथ वर्क करेंगे, उतना ज्यादा आपका माइंड स्ट्रांग होता जाएगा और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिएगा। क्योंकि जुपिटर की थोड़ी बहुत और ब्लेसिंग अगर आ गई तो आप बहुत रॉयल टाइप के इंसान होते हुए देखने को मिलेंगे। अब इस लाइफ लाइन में दिक्कत ये रही कि आप देखिए, ये लाइफ लाइन शुरुआत से थोड़ी थोड़ी बिखर के फैल करके और इस तरह से चली। इस तरह की लाइफ लाइन डाइजेशन और कोलेस्ट्रॉल, इसके अलावा लीवर, स्टमक के रिगार्डिंग डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम देती रहती है। मंगल तो दर्शा रहा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, लेकिन इस तरह की लाइफ लाइन हमेशा एनर्जी डिस्टर्ब करती है। इस कारण भी कंसिस्टेंसी या फोकस जैसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। और यह लाइफ लाइन को ऐसा है कि हेल्थ वाइज डिस्टर्ब कर रही है, फैमिली वाइज डिस्टर्ब कर रही है। फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस आपको एक 38 में, एक अभी 42 और 43 के आसपास में और आता हुआ दिखेगा, इसीलिए इसका प्रिकॉशन तो अभी से रखना है। लेकिन लाइफ लाइन की ऐसी एनर्जी हो तो हमेशा अपने एनवायरमेंट सराउंडिंग पे ध्यान दीजिए, कहीं गलत एनवायरमेंट सराउंडिंग, लोग, माहौल या आदत के अतिरिक्त तो आप नहीं है। इसके बाद में आपकी जो लाइफ लाइन है वो 44 के बाद तो इतनी बेस्ट हो गई है कि क्या बताएं, जैसे कि एकदम जीवन ही बदल गया आपका, दूसरा जीवन आ गया। एक जीवन रेखा पहले इतनी बिखरी और एक जीवन रेखा पहले बाद में इतनी स्मूथ, ये एकदम मिरेकुलस होता है, ऐसा बहुत कम ही देखने को मिला है। और ये कॉम्बिनेशन ये इंडिकेट करा है कि जितना स्ट्रगल स्ट्रेस आपने किया उससे लाख गुना ज्यादा तो कंफर्टेबिलिटी आपकी लाइफ में भी आने वाली है 44-5 से। एकदम स्मूथ मक्खन जीवन, बहुत अच्छी यात्राएं होना, नए नए तरह के काम होना, इन्वेस्टमेंट्स होना, हर तरह के वैसे कार्य होना जिससे खुशी, शांति, संपन्नता, संतुष्टि, ये चार चीजें बढ़ सके। केतु के ऊपर बायफोर्क हो ही चुका है, फिश सिंबल कुछ समय में आएगा ही, जो मोक्ष मुक्ति को दर्शाएगा और लंबी आयु है आपकी। कोई मेजर हेल्थ इश्यू, फैमिली इश्यू आपको इन फ्यूचर नहीं रहने वाले, क्योंकि शुक्र की रेखाएं भी ठीक है। आप अकेले भी अच्छे से रह पाने में और दूसरों के अतिरिक्त भी अच्छे से रह पाने में सक्षम इंसान दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा आवेश, उत्साहित या एग्रेशन जैसी चीजों में आकर काम करने से बचना चाहिए। बाकी ऐसा शुक्र जो इतना अच्छा एरिया ले रहा है, एक से ज्यादा गाड़ी, घर बार का सुख या अच्छा रहन सहन खान पान जीवन में देगा। बहुत नए नए लोग जीवन में जुड़ने वाले हैं जिनसे भरपूर प्यार या सहयोग मिलेगा। आपके हथेली में देवदूत रेखा मौजूद है और ये दर्शा रही है कि आपको हमेशा अलग अलग लोगों से सहयोग मिलता रहा है और आगे भी मिलता जाएगा। और उम्र तकरीबन 51 तक आते आते फिर आपको किसी के सहयोग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप दूसरों को सहयोग देंगे। चंद्र के क्षेत्र या मंगल के क्षेत्र के बीच में जब ऐसी आड़ी रेखाएं होती हैं तो इस कंडीशन में यात्राओं के शौकीन होना या यात्रा से तुरंत लाभ होने के योग निर्मित होते हैं। और ये जो रेखा निकली है ये बहुत अच्छी लाइन है और यही रेखा आपके हथेली में हल्का सा मनी ट्रायंगल दे रही है। यहाँ पर हल्का सा स्क्वायर का साइन प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रहा है और सूर्य पे ट्रायंगल का साइन आ सकता है, जुपिटर पे स्क्वायर का साइन है। ये सारे साइन सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेल्थ, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, ये सब आपके लाइफ में इंक्रीज हो जाएगा तुरंत और जैसे अगर आप इंडिपेंडेंट वर्क को प्रेफर करेंगे अपने लाइफ में। और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो मेजर आपको फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल तकरीबन 38 और फिर एक तकरीबन है 34 में। इसके बाद कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह की लाइन और सपोर्ट अपने लोगों से दिलाएगी। जो इनिशिएशन आप लेंगे 45 में उसकी रेखा है चंद्र पे, अगर यह तिल है तो इस कंडीशन में मन थोड़ा कहीं ना कहीं डरा सहमा या विचलित अकेलेपन में देखने को मिलता है। बाकी लेफ्ट हैंड से कहीं गुना ज्यादा अच्छा आपका राइट हैंड हो रखा है, तो इसीलिए आपने अपने लाइफ को बहुत ज्यादा बेटर किया है और आगे बेटर करते जाएंगे, इसलिए इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा आपको। इधर भी प्रोग्रेस लाइन है, इधर भी सनलाइन की कंडीशन अच्छी है और इधर पे बायफोर्क है अपर में, इसलिए यह मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपको देगा। और इधर पे माइंड लाइन आपकी थोड़ी ज्यादा लंबी है, मजबूत है, इसलिए जहां पर भी आपका इमोशन जुड़ जाता है वहां पर आप बहुत ज्यादा डिवोटेड हो जाते हैं, 100% देते हैं, कैसे भी कर स्थिति को बहुत अच्छा करने में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है, आपके दोनों हथेली में सारी स्थिति ठीक है,
थोड़ा सा मंगल से ही अधिकतर वरीज लाइन आ रही है, इसलिए मंगल का उपाय करना जरूरी है जो आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी लाइफ बहुत स्मूथ और बैलेंस हर विषय को लेकर के होती चली जाएगी। कोई मेजर डिफिकल्टी स्ट्रगल अब अपकमिंग लाइफ में आपका नहीं है। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर प्रश्न रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।